नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस यह पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन कुछ नया खरीदने की परंपरा है, विशेषकर पीतल व चांदी के बर्तन खरीदने का रिवाज है। इस दिन जो कुछ भी खरीदा जाता है उसमें लाभ होता है, धन संपदा में वृद्धि होती है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। धन्वंतरी जी भी इसी दिन अवतार लिए थे, इसी कारण इसे धनतेरस कहा जाता है। देवताओं व असुरों द्वारा रूप में किए गए समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुए 14 रत्नों में धन्वंतरी व माता लक्ष्मी शामिल हैं। यह तिथि धन त्रयोदशी नाम से भी जानी जाती है और इस दिन लक्ष्मी के साथ धन्वंतरी की पूजा की जाती है। दीपावली का आरंभ धनतेरस से होता है। इसी के साथ धनतेरस पर क्यों खरीदे जाते हैं बर्तन? जैसे कि माना जाता है कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन में धन्वंतरी प्रकट हुए थे, तो उनके हाथों में अमृत से भरा एक कलश था। भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। इसलिए इस दिन बर्तन पवित्र पीतल और चांदी के बर्तन खरीदना चाहिए, क्योंकि पवित्र महर्षि धन्वंतरी की धातु है। इससे घर में आरोग्य, सौभाग्य और स्वास्थ्य का लाभ होता है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर और यमदेव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है और धनतेरस पर दक्षिण दिशा में दीप क्यों जलाते हैं? ऐसा माना जाता है धनतेरस पर दक्षिण दिशा में दीप इसलिए जलाया जाता है कि एक दिन दूत ने बातों बातों में ही यमराज से प्रश्न किया था कि अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है, तो यमराज जी ने कहा कि जो प्राणी धनतेरस की शाम को यम के नाम का एक दीपक दक्षिण दिशा में जलाता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है और इसके परिवार को मृत्युदेव यमराज के कोप से सुरक्षा मिलती है। इसी के साथ धनतेरस की पूजा की विधि भी बताई जाती है। संध्या काल में पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूजा के साथ स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ भगवान कुबेर और धन्वंतरी की मूर्ति स्थापना कर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विधान है और भगवान कुबेर को सफ़ेद मिठाई जबकि धन्वंतरी को पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए और धन्वंतरी को पीले वस्त्र अधिक प्रिय है। पूजा में फूल, फल, चावल, रोली, चंदन, धूप व दीप का इस्तेमाल करना फलदायक माना जाता है और धनतेरस के दिन अगर आप ये काम करते हैं तो आपके घर में वृद्धि और बरकत आती है और धनतेरस में इसका विशेष महत्व माना जाता है। इसी करके जो भी धनतेरस पे कोई चीज़ें खरीदता है धन में बरकत होती चली जाती है, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।